भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने राम मंदिर के इफ्तिताही प्रोग्राम पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा सियासी प्रोग्राम है ये, वज़ीर आज़म मोदी, आरएसएस और बीजेपी का प्रोग्राम है। राहुल गांधी ने ये बात नागालैंड के कोहिमा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। वो 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा की क़यादत करते हुए कोहिमा पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो प्रोग्राम हो रहा है वो सियासी प्रोग्राम है और इसमें शरीक होना मुश्किल है। 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जाएंगे, जा पाएंगे, क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, बट वी कैन नॉट बी पार्टी टू अ पॉलिटिकल फंक्शन। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस व्हेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द आरएसएस आर प्रिंसिपल ओपोनेंट्स हैव कैप्चर्ड अ फंक्शन एंड टर्न्ड इट इनटू अ इलेक्शन फंक्शन। ऑल्टरनेट विजन का फाउंडेशन हमने पिछली यात्रा में रखा था कि हम नफरत का हिंदुस्तान, बटा हुआ, टूटा हुआ हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हम हारमोनियस,